हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए 103 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कमल है सम एप्पल्स, ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट। मतलब कमल ने क्या किया कि उसने 40% ज्यादा बेचा जितना कि वो खाया। इफ ही सोल्ड 70 एप्पल्स, अगर उसने 70 एप्पल बेचे देन हाउ मेनी डिड ही ईट, तो उसने कितना खाया होगा। तो देखो इसको कैसे कह देंगे कि लेट से कि कमल ने कितना खाया, कमल एट एक्स एप्पल, ठीक है। तो अगर वो एक्स खाया होगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि उसने कितना ज़्यादा बेचा था, 40%। तो अगर वो एक्स खाया तो एक्स प्लस एक्स का 40% वो क्या क्या होगा, बेचा होगा। और यही तो हमारा कितना दिया है, 70 एप्पल्स के इक्वल दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 140 x/100 इक्वल टू 70। यहाँ से ये चला जाएगा 2 टाइम्स, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 50। मतलब कि उसने 50 एप्पल्स खाए थे और 70 एप्पल्स बेचे थे। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी डिड ही ईट, तो कितना हो जाएगा, 50 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 104 जो है वो खुद से बना लेना है, 105 भी खुद से बना लेना है, 106 देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि रमन सेल सम मशीन फॉर 39 लाख रुपीज एट अ लॉस, हैड ही सोल्ड फॉर 49 रुपीज, 49 लाख रुपीज हिज गेन वुड हैव बीन 3 टाइम्स द लॉस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। तो कॉस्ट प्राइस कितना था मशीन का, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। और इसे क्या किया, इसने कितना में बेचा, 39 लाख में। तो 39 माइनस प्लस x करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो इक्वल ही होना है। अब देखो दूसरे साइड का कंडीशन क्या है कि अगर वो 49 लाख में बेचता है, 49 लाख सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, तो -3x, क्योंकि उसे 3 गुना ज़्यादा, 3 टाइम्स द लॉस, उसको 3 गुना ज़्यादा हुआ था लॉस से फायदा। तो अभी इसको माइनस में ले जाएंगे और इसको प्लस में इस साइड लेंगे तो हो जाएगा 4x = 10, तो x = 2.5 लाख। मतलब कि उसे 2.5 लाख रुपये का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, आंसर तो सेम ही आना है। तो 39 + x और x का वैल्यू रख देंगे 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, 41.5। 107 जो होगा वो खुद से करना है, इसका आंसर क्या हो गया था, 41.5। 108 भी खुद से करना है। 109 में क्या बोल रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ डिश वॉशर विथ अ वैक्यूम क्लीनर वाज 78,750 रुपीज। मतलब कि 78,750 रुपये में दो चीज़ मिला था, डिश वॉशर और वैक्यूम क्लीनर। द वैक्यूम क्लीनर वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 37% एंड द डिश वॉशर एट अ लॉस ऑफ 27%। एक जो वैक्यूम क्लीनर था उसे 37% के प्रॉफिट पे बेचा था, जबकि जो है हमारा डिश वॉशर उसे 27% के लॉस पे बेचा था। इफ बोथ सेल प्राइस वॉज द सेम फॉर द बोथ ऑफ द आइटम्स देन वॉट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर आइटम। तो चीपर आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना था अगर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे दिया कि सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। तो हमारा क्या दिया हुआ है कि 78,750 रुपये दोनों में लगता है खरीदने में उसको। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ डिश वॉशर का है 100 रुपये। तो जब डिश वॉशर का 100 हो जाएगा तो वैक्यूम क्लीनर का कितना हो जाएगा, 78,750 - x, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों का सेम दिया हुआ तो क्या करेंगे, दोनों मतलब डिश वॉशर का जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उस पर और जितना वैक्यूम का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उन दोनों को मिला के सेलिंग प्राइस इक्वल करने वाले हैं। वैक्यूम क्लीनर पर क्या हो रहा था, उसे प्रॉफिट 37% का, तो जो 78,750 - x है
उसको 137/100 कर देंगे क्योंकि उसे 37% का प्रॉफिट हुआ था और वो बना होगा सेलिंग प्राइस। इसी तरह से डिश वाशर पे 27% का लॉस हुआ है, तो डिश वाशर उसका ₹1 था और उस पर उसको 27% का लॉस हुआ, मतलब कि 73/100। यहाँ तक ठीक है? अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7875 × 137/100 और ये जो है 137 एक्स जो इस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 137 × 140 × 210 × 210 x/100। मैंने इसको बेसिकली 137 को इधर ला लिया है और कुछ नहीं किया। अब यहाँ से ये 100 चला जाएगा, यहाँ से ये कितना टाइम्स में चला जाएगा, 10 से पहले 10 काट लेते हैं और 21 से इसको काटने की कोशिश करते हैं। 7 × 3 और 7 को 1, फिर से 1 1 7, 7 × 2 5, फिर से इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 2 2, 3 7 21, 3 5 15, तो जो x हो गया वो हो गया 375 × 137। तो जब x निकल गया है तो यहाँ से 7 8 5 0 7 8 7 5 0 माइनस x कर लेंगे और दोनों में से देख लेंगे कि कौन सा वाला चीपर है और जो होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सारे नंबर थोड़ा आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है तो ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा अपने को, ठीक है? तो इसे खुद से कर लेना है। 110 खुद से बनाना है, 111 भी खुद से बनाना है, 112 भी खुद से बनाना है। देखो 113 में क्या बोल रहा है, ये अ मैन बॉट 15 मैंगोज फॉर अ रुपीज, हाउ मेनी मैंगोज वर सोल्ड फॉर अ रुपीज सो दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 25%। बोल रहा है कि ₹1 में 15 संतरे खरीदता है वो, मैंगोज सॉरी 15 आम खरीदता है। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी मैंगोज वर सोल्ड फॉर अ रुपीज सो दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 25%, मतलब अब 25% लॉस हो रहा है अगर किसी ट्रांजेक्शन में, तो वो ₹1 में कितने आम बेचे होंगे, खरीदे तो 15 थे, बेचे कितने होंगे। तो चलो कर लेते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो गया, ₹1 में 15, तो 1/15 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस जो होने वाला है वो है 1/15 − 1/15 का कितना परसेंट, 25%, ये हो जाएगा। और इस कैल्शियम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 64 − 1 जो कि हो जाएगा 3/60 1/20। देखो 1/20 रुपीज में एक संतरा है तो ₹1 में, क्योंकि 1/20 रुपीज में एक, सॉरी मैं बार बार संतरा बोल रहा हूँ, एक मैंगो है, तो ₹1 में कितना हो जाएगा, 1/1/20 कितना, 20। तो बेसिकली वो ₹1 में 15 आम खरीदता है लेकिन बेचता कितना है, ₹1 में 20 आम, इसकी वजह से उसे 25% का लॉस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो जो मैं छोड़ रहा हूँ ये सब बना लेना है खुद से। देखो 160 में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑब्टेंड ऑन अ सेलिंग आर्टिकल फॉर 300 रुपीज इक्वल टू द लॉस इन अकर्ड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर 230 रुपीज। इसी तरह का सेम क्वेश्चन जो 49 लाख और 39 लाख वाला देखे थे, सेम तरह का क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि 310 पे जितना ₹310 में बेचेंगे तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही अगर ₹230 में बेचते हैं तो लॉस होगा। यहाँ पे देखो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 310 − x सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से 230 + x सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो दोनों साइड हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को इक्वल कर लिया। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x = 310 − 230 = 80, तो x = 40। अब दोनों में से किसी में से एक 40 जोड़ लो या घटा लो, वही हो जाएगा अपना कॉस्ट प्राइस। व्हाट विल बी द लॉस व्हेन सेलिंग एट 180 रुपीज,
तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 310 माइनस 40 जो कि है 270। 270 पे क्या था, इसका कॉस्ट प्राइस था, और सेलिंग प्राइस अब बोल रहा है कि हमारा है 180 रुपये, तो लॉस कितने का होगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा 90 रुपये का। तो परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 100, यहाँ से जाएगा 100 बाई 3, तो अपना कौन सा आ जाएगा, 33:1/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 117 में क्या बोल रहा है, अ मैन बॉट 9 पेन्स फॉर ₹1, हाउ मेनी पेन ही शुड सेल फॉर ₹1 टू गेन 50%, 50% उसको प्रॉफिट चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक आदमी जो है ₹1 में 9 पेन खरीदता है, और अब उसे कितना पेन बेचना चाहिए कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, 50% का। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किए थे, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹1 में 9, तो 1/9। अब बोल रहे हैं हाउ मेनी पेन शुड ही सेल फॉर ₹1 टू गेन 50%, 50% का उसको प्रॉफिट चाहिए, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होगा 1/9 + 1/9 का 50%, 1/18, एलसीएम हो जाएगा 18 2+1, कितना आ जाएगा 1/6। तो अब बोल रहा है कि चूंकि 1/6 रुपये में एक पेन बेचेगा तभी तो उसे 50% का प्रॉफिट होगा, तो 1 रुपये में कितना बेचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/6, तो कितना हो जाएगा, 6 पेन। अभी थोड़ी देर पहले इस तरह के क्वेश्चन को कर रखा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर इज 25% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल। तो कॉस्ट प्राइस जो है मान लेते हैं कि किसका, 25% कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल अगर x है तो चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, x - x का 25%, जो कि हो जाएगा 3x/4। तो ये हो गया दोनों का कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ अ मैन सेल्स 5 चेयर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 टेबल। अब उसका जो 5 चेयर का सेलिंग प्राइस है वो कितने के इक्वल है, 7 टेबल के कॉस्ट प्राइस के। तो देखो 5 चेयर का उसका खर्चा कितना होगा, 3x/4×5, क्योंकि एक चेयर का जो था कॉस्ट प्राइस कितना था, इतना था। तो इतने का सामान उसने एक्चुअल में बेचा होगा, तो उसके लिए जो हो गया वो कॉस्ट प्राइस हो गया। और उसने सेल कितने में किया, 7 टेबल्स के प्राइस के बराबर। तो जो सेलिंग प्राइस है वो है 7 टेबल्स के सेल्स के बराबर। तो टेबल कितना था, 1 था, तो 7×1, मतलब कि उसने बेचा कितने में, 7x रुपये में। और उसका खर्चा कितना आया था, 3x/4×5, ये हो गया 15x/4। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट कितना होगा, 7x - 15x/4, ये हो जाएगा 13x/4। अब यहाँ से निकाल लेते हैं परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना था, 3x/4×5×100। ये 4 से ये 4 चला जाएगा, और ये 5 से ये हो जाएगा 20, ये x से x चला जाएगा, हो गया 13/3×20, 13/3 होता है 3×4 12, 4.3×20, तो 80.6। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 3rd। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे हमने कर दिया इस क्वेश्चन में।
पांच चेयर जो बेच तो रहा था, पांच चेयर, लेकिन उसका जो प्राइस मांग रहा था वो 7 टेबल के बराबर मांग रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइसेस को ले लिया और सेलिंग प्राइसेस को ले लिया, बाकी तो सारी चीज़ें आसान थी। अब ये 120 भी खुद से करना है, 121 भी खुद से करना है, 122 भी खुद से करना है। 123 में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अ मैन गेन्स 15% बाई सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर अ सर्टेन प्राइस। जो एक आदमी है उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, 15% का, अगर किसी सामान को बेचता है। मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये का खरीदा होगा तो उसने बेचा कितने का होगा, 115 रुपये का, तभी तो उसे 15% का प्रॉफिट हुआ। इफ़ ही सेल्स एट द ट्रिपल प्राइस, अगर वो 3 गुने प्राइस पे बेचेगा तो 3 × SP कितना हो जाएगा, 115 × 3 345 रुपये। अगर वो 345 में बेचता है तो बोला कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसने बेचा कितने में, 345 रुपये में, ख़रीदा तो 100 रुपये में ही था, तो प्रॉफिट हो गया 245 रुपये का, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये 100 से ये 100 चला गया, 245% का उसे टोटल प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब 124 देख लेते हैं। बोल रहा है कि बाय सेलिंग 90 पेन्स फॉर 80 रुपीज अ मैन लूजेज 20%। अगर वो 90 पेन को 80 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होगा। व्हाट शुड ही सेल एट द प्राइस, तो बोल रहा है कि 90 पेन को कितना में बेचना चाहिए कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। चलो देख लेते हैं, पहले क्या दिया है, सेलिंग प्राइस जो है वो है कि 80 / 90, मतलब कि 80 रुपये में 90 पेन को बेचता है तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट लॉस होता है, लॉस इक्वल टू 20%। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, उसके लिए सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस क्या होता है लॉस और इनटू 100, यही तो होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस। यहाँ से कितना हो जाएगा, 8/9 इनटू 80 हो जाएगा इनटू 100, 20 × 5, 20 × 4, 4 × 2, 10/9, 10/9 क्या है, कॉस्ट प्राइस है एक पेन का। तो अब इसी पे इसको अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसके लिए, अब इसको कितना परसेंट 20% का क्या चाहिए, इस पे प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10/9 प्लस 10/9 का 20%, ये हो जाएगा 5, एलसीएम हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 50 प्लस 10 60, कितना हो जाएगा, 15 × 60, 15 × 45, सेलिंग प्राइस जो अब हो गया, अब नया जो सेलिंग प्राइस होगा 4/3, 4/3 कितने के लिए, 4 1 पेन। अब इसे बेचना कितना है, 90 पेन बेचना है, तो 90 के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इंटू 90, 3 से गया 30 टाइम्स, तो कितना हो गया टोटल 120 रुपीज हमारा होगा आंसर होगा। मतलब कि अगर वो 90 पेन को 120 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस खुद से बना लेने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इसी तरह से हम अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।